घूम रही है। ऋतु के छह ऋतु के फल फूल खिल रहे हैं, चारों ओर हरियालियां लहरा रही है। ये बहुत ही हर्ष की बात है। लगातार छह महीने तक रत्न वृष्टि होती रही। कुबेर ने लगातार छह महीने तक वैशाली नगरी में रत्न वृष्टि करते रहे। कुबेर लगातार छह महीने तक महावीर के गर्भ में आने के पूर्व छह महीने तक रत्न वृष्टि लगातार चलती रही। अपने महल में विश्राम कर रही होती है, तभी रात्रि के अंतिम पहर में वह सोलह सपने देखती है। तो आइए हम देखते हैं वह अपनी सैया से उठकर सुबह अपनी सखियों से क्या कहती है। पंच प्रवेश की जय हो। ओम ओम नमन ओंकार को नमन करी नमन तिथ प्रभु को नमन आचार्य को नमन उपाध्याय को नमन सर्व साधु को नमन जिन धर्म को नमन सर्व साधु को नमन जिन धर्म को नमन। पंच परमेश्वर भगवान की जय। हे सखियों, आज ये कैसा सुमंगल प्रभात है जो मेरे अंतर मन को प्रकाशित कर रहा है। आज जिस आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है वह पहले कभी नहीं हुई। मेरी हृदय में हिलोरे उठ रही है, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, चारों तरफ खुशियाली की खुशियाली नजर आ रही है। हे सखियों, क्या आपको भी इस आनंद की अनुभूति हो रही है? जी रानी, ये आपके आभा मंडल बहुत ही चमक रहा है, यह बहुत ही शुभ सूचक है। ही रानी, आज क्या बात है, आप इतनी आनंदित क्यों नजर आ रही हैं? आज आनंद की ही बात है, मेरा मन खिल जा रहा है। रानी हे सखियों, मैंने आज रात्रि में स्वप्न देखे, बड़े ही अद्भुत स्वप्न थे। इन सपनों की वजह से मैं बहुत ही आनंदित हो रही हूँ। मुझे सारा वातावरण गुंजायमान नजर आ रहा है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही है, प्रजा हल्लास से उमंग से भरी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सपने कैसे थे, बहुत ही अद्भुत थे। सपनों के क्या फल है, कोई तो मुझे बताए सकी। रानी, आपके सपने का फल तो राजा सिद्धार्थ ही बता सकते हैं। चलिए राजा सिद्धार्थ के पास ही चलते हैं। हाँ ठीक ही कह रही हो सखी तुम, राजा सिद्धार्थ भी मुझे इन सपनों का फल बताएंगे। आओ चलते हैं। चलिए रानी। इस तरह से रानी अपनों सपनों का फल पूछने के लिए अपनी सखियों के साथ राजा सिद्धार्थ के दरबार में पहुंचती है। महाराज की जय हो। महाराज त्रिशला पधार रही है। स्वामी प्रणाम। आओ रानी, आसन ग्रहण करो। आज क्या बात है, प्रफुल्लित नजर आ रही हो, कहो कैसे आना हुआ? राजन, आज कुछ खास बात है, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं उठ रही हैं। मैंने जो मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है, मैं आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आई हूँ। कहो क्या बात है? हे राजन, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में सोलह स्वप्न देखे। ये स्वप्न बड़े अद्भुत थे, विचित्र थे, जो मेरे रोम रोम को पलकित कर रहे हैं। मैं इन सपनों का फल जानने के लिए आपके पास आई हूँ। हे रानी, इन सपनों में ऐसा क्या देखा जिसे तुम इतनी आनंदित हो? ये स्वप्न बड़े ही विचित्र
थे, जो स्वप्न मैंने देखे मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम देखेंगे रानी त्रिशला ने क्या क्या सपने देखे। एक नृत्य नाटिका के रूप में, नृत्य के माध्यम से हम देखेंगे अभी कि उन्होंने क्या क्या सपने देखे। Thank you.
त्रिशला माता के ये 16 सपने सुनते हैं तो वो गदगद हो उठते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो सुनते हैं उनके, हे स्वामी, ये 16 स्वप्न मैंने देखे, ये स्वप्न ही मुझे आनंदित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन सपनों से इस धरा पर कोई मांगलिक कार्य घटित होने वाला है। आप क्या बताएंगे मुझे, इन सपनों का फल बताइए। हे रानी, आज तुम्हारी नारी पर्याय सार्थक हो गई है। इन सपनों से ये ज्ञात होता है कि किसी तीर्थंकर बालक ने तुम्हारे गर्भ में अवतरण कर लिया है। यह पुत्र बहुत ही पराक्रमी होगा, कर्मठ होगा। हमारा पुत्र वीर प्रतापी होगा, तेजस्वी होगा, अनंत बलशाली होगा, अनंत ज्ञान लक्ष्मी को धारण करने वाला होगा और इसी भाव मुझे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। गुमराह होती जनता को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाएगा और उनके जीवन को उदाहरण करेगा। ए स्वामी, ये बहुत हट की बात है। ये सपनों का फल सुनकर मैं धन्य हो गई। ये मैं सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हूँ और लगातार कुबेर द्वारा 9 महीनों तक वैशाली नगरी में रत्नों की वृष्टि होती रहती है और चैत्र सुदी 13 को तीर्थंकर बालक महावीर का जन्म होता है। चैत्र सुदी 13 के दिन भी रत्न वृष्टि Thank you.
आप लोगों को दिखाई जाती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है
कि कल इतवार का दिन है, सबकी ज्यादातर छुट्टी है, तो हम 8 बजे के करीब ये नाटक शुरू करेंगे। तो कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने यार दोस्त सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेके आए, जिससे कि नाटक का लोग ज्यादा से